नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। बड़ी बात यह है कि बीजेवाई अमियानी भाजुमो की नई टीम में मध्य प्रदेश से एक भी युवा नेता शामिल नहीं हो पाया। ऐसा पहली बार हुआ है जब मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किसी को भी जगह नहीं मिली। वहीं सूत्रों की माने तो प्रदेश संगठन ने युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे सहित 4 नाम भेजे थे, लेकिन पैरामीटर पर एक भी नाम फिट नहीं हो पाया, जिसके चलते किसी को जगह नहीं मिली। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने अपनी टीम में 7 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 2 मंत्री सहित कुल 22 पदाधिकारियों की घोषणा की है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी कांग्रेस नेताओं का इस मुद्दे पर असल में कहना क्या है और किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं, जरा वो सुनिए। इतने राज्य हैं, सभी राज्यों से प्रतिनिधित्व करके पदाधिकारी बने हैं, ये जरूरी नहीं है। मध्य प्रदेश इस बात को लेकर धनी है, गौरवशाली है कि एक मोर्चा के अध्यक्ष, 2 मोर्चों के महामंत्री और 2 मोर्चों के उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश से हैं। तो मध्य प्रदेश में ऑलरेडी सभी मोर्चों का बखूबी प्रतिनिधित्व दिया है। अब युवा मोर्चा में पदाधिकारी नहीं बनाया, कुछ दूसरी योजना में होंगे, युवाओं को लेने वाले होंगे, हिस्सेदारी होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ा कारण उसमें होगा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मध्य प्रदेश की लगातार उपेक्षा की जा रही है। थावरचंद गहलोत जी को मंत्रिमंडल से हटाकर, नेता पद से हटाकर सीधा रिटायरमेंट दे दिया गया। अब भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की कार्यकारिणी में प्रदेश से एक भी नौजवान को नहीं लिया गया, पूरी तरह मध्य प्रदेश की उपेक्षा की जा रही है। इसी तरह मंत्रिमंडल में भी मध्य प्रदेश की उपेक्षा की गई। प्रदेश के नौजवानों को केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी बात रखना चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट है। बहरहाल, तो जैसे ही मौका मिला कांग्रेस ने यहां पर पलटवार भी कर दिया है, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या वाकई उपेक्षा की गई है? क्यों ऐसा पहली बार हुआ कि मध्य प्रदेश का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया? 4 नाम अगर भेजे गए तो उसमें से कोई भी फिट क्यों नहीं बैठ पाया? हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सुमित ओरछा है प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ बहुत स्वागत है सुमित भाई आपका। और राम पांडे जी हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत स्वागत है राम जी आपका। सुमित ओरछा साहब, सवाल यही है, विपक्ष तो आपके ऊपर हमलावर हो जाएगा, वो अलग विषय, उस पर मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ कि तेजस्वी सूर्या की टीम में एमपी का एक भी सूरज नहीं फिट बैठा? भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और इसकी एक विशिष्ट कार्य पद्धति है। कार्य पद्धति यह है कि जहां पर संगठन की विस्तार देना है वहां से ज्यादा नेतृत्व दिया जाता है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल शानदार आवाज आ रही है, बताइए। जहां पर संगठन का विस्तार हो चुका है वहां से वरिष्ठ नेतृत्व, और जहां पर विस्तार करना है, जहां जिन राज्यों में पार्टी को अभी नई टीम बनानी है, पश्चिम बंगाल में संगठन धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, 3 से लेकर के 73 की यात्रा करी है, इसलिए वहां से राष्ट्रीय महामंत्री आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक विशिष्ट संगठन है, इसकी विशिष्ट कार्य पद्धति है। इसको इतने सतही तौर पर आधा घंटे के टीवी डिबेट में ना समझा जा सकता है ना समझाया जा सकता है। नहीं, एक मिनट सुमित ओरछा साहब सुन लीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात सुन लूंगा, लेकिन आप ऐसे शब्दों का कम से कम इस्तेमाल ना करें। टीवी डिबेट में सतही चर्चा करने के लिए ना तो मैं बैठा हूं और ना आप यहां पर मेहमान के तौर पर आमंत्रित है। वो आपकी पार्टी का विषय, वो अलग है, लेकिन जब चर्चा होती है तो उस पर आप भी बोलेंगे, कांग्रेस भी बोलेगी, बाकी दल भी बोलेंगे, क्योंकि उनके जब कोई ऐसे विषय आते हैं तो आप भी सवाल उठाते हैं। इसलिए सतही चर्चा ना तो मैं करता हूं और ना ही आपको मेहमान के तौर पर सतही चर्चा में आमंत्रित किया गया है। अब अपनी बात पूरी करिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे कि ये एक ऐसा हमारी कार्य पद्धति से जुड़ा विषय है जिसमें जिन राज्यों से अभी हमारी पार्टी का वहां पर विस्तार करना है, जहां पर हमें संगठन को मजबूत करना है, वहां से नए निकल रहे नए नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर ला रहे हैं। जहां से मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां से सर्वाधिक पदाधिकारी राष्ट्रीय स्तर पर जो है चुने गए हैं, और आज वो देश के बड़े बड़े नेता केंद्रीय मंत्री इस रूप में स्थापित हो चुके हैं। तो मध्य प्रदेश एक अलग जो है स्टैंडर्ड पर पहुंच चुका है देश में संगठन के मामले में, आदर्श सांगठनिक व्यवस्था मध्य प्रदेश की मानी जाती है। अच्छी बात है कि आपका मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश जहाँ का खेल अजब है, गजब है, वहां पर स्टैंडर्ड बहुत बड़ा हो गया है। सवाल इस बात का है ना कि क्या इतना स्टैंडर्ड बढ़ गया है कि अब वहां से कोई एक व्यक्ति आ ही नहीं सकता है?
आप कह रहे हैं कि विस्तार है, ये आपके पार्टी का विषय है, ये आपके संगठन का विषय है, वो आपका विशेषाधिकार है, आपकी पार्टी का अधिकार है, उस पर हम कुछ नहीं कह रहे। लेकिन क्या क्या ऐसा हो गया कि इतना स्टैंडर्ड हो गया है कि वहां से एक प्रतिनिधित्व भी नहीं आ सकता है, या उसकी जिम्मेदारी किसी प्रदेश में नहीं लगाई जा सकती है? क्या जी, क्या स्टैंडर्ड इतना हो गया कि मध्य प्रदेश का एक युवा दूसरे प्रदेश में जाकर उस संगठन को, भाजयुमो को मजबूत नहीं कर सकता है? उसको भी तो जिम्मेदारी मिल सकती है। तेजस्वी सूर्या को तो पूरे देश के लिए युवा मोर्चा की जिम्मेदारी मिली है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि देश देखिए, दक्षिण से हमारे ज्यादा पदाधिकारी आए हैं, आप समझिए, मतलब समझिए, पूरे जो पदाधिकारियों की घोषणा हुई है उसका एक मंतव्य समझिए कि ये क्यों हुई है और कहाँ से लिए गए हैं, उसका असर क्या पड़ेगा। ये सब हमारे संगठन का, हमारे इसको लेकर के ना कोई संतोष ना असंतोष, ये हमारी कार्य पद्धति का हिस्सा है। अब ओरछा साहब देखिए, आपकी कार्य पद्धति का हिस्सा है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों की पार्टी का, किसी संगठन का, किसी भी पार्टी का, उसके संगठन का ये विशेषाधिकार होता है, और आप कह रहे हैं कि कोई असंतोष और संतोष नहीं है। अगर असंतोष नहीं होता और संतोष ही होता तो चार नाम भेजे क्यों गए थे? बोल देते कि हमारे यहाँ स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, ऑलरेडी आप दक्षिण से ही लोगों को ले आइए, तो भेजने का मतलब क्या था? अगर नाम भेजे गए थे तो कुछ रहा होगा, तभी तो भेजे गए थे ना। बहरा राम पांडे भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं। डॉक्टर राम पांडे, इनका मंतव्य आप समझिए, ये कह रहे हैं कि मंतव्य समझिए, एमपी में ऑलरेडी स्टैंडर्ड बहुत है, इसलिए दक्षिण से बाकी अन्य राज्यों से लोगों को मोर्चा में शामिल किया गया, या फिर तेजस्वी सूर्या ने उनको मौका दिया है, मध्य प्रदेश से किसी की जरूरत थी नहीं। उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद, हेलो डॉक्टर राम पांडे, मेरा सवाल सुन पाया? जी, हाँ, वो होल्ड पर चला गया था जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी का पर्सनल मैटर है, ये अपने सारे पदाधिकारी बंगाल अकेले से बना दे तो मुझे कोई पूछना नहीं चाहिए, या ये अपने सारे पदाधिकारी असम से बना दे तो ये इनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जिस तरह से ओरछा जी ने बताया और आपने बड़ा सही क्वेश्चन किया कि भाई जब मध्यप्रदेश से लेना ही नहीं थे तो फिर वो चार नाम वहां भेजे क्यों गए थे, और फिर जो संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चा का है, ये कहीं से भी बने कैसे भी बने, अभी वर्तमान में इसका काम क्या है, पिछले 7 साल में संगठन का योगदान क्या रहा है, ये भी हमें देखना चाहिए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या देश हो। आज हम बात करें, महंगाई बहुत बढ़ रही है तो इसको कांग्रेस उठा रही है, विपक्ष उठा रहा है, अब ये संगठन क्या करेगा? ये तो महंगाई का सपोर्ट करेगा ना, कि महंगाई, ये तो वैसे भी बोलते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा वाले कि हम तो 200 रुपए का पेट्रोल और डीजल करेंगे और उसको भी खरीदेंगे, तो ये महंगाई के मुद्दे पर हमारे साथ आने वाले नहीं है। और इनके मोर्चा के जितने भी काम थे वो मोदी जी नहीं सुन रहे, ये क्या कहते थे कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाएंगे, नहीं बना रहे, ठीक है, जबकि 70 साल से भारतीय युवा मोर्चा हो या कोई भी हो, तो इनकी जो प्रासंगिकता थी वो खत्म कर दी। भारतीय जनता युवा मोर्चा का काम क्या था कि स्वदेशी अपनाओ के लिए आंदोलन करते थे, अब मोदी जी ने तो 100% कर दिया, मुंह बंद कर दिया भारतीय जनता युवा मोर्चा का, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा को काम करने के लिए छोड़ा ही नहीं। भारतीय जनता युवा मोर्चा कहता था कि रोजगार दो, मोदी जी ने कहा 2 करोड़ देंगे, उसमें से 2 को भी नहीं दिया, तो फिर भारतीय युवा मोर्चा का मुंह बंद करके रख दिया। भारतीय युवा मोर्चा ने क्या कहा था कि डॉलर की कीमत 1 रुपए के बराबर होना चाहिए, मोदी जी अपनी कीमत से भी ज्यादा करते जा रहे हैं, 74 से भी ज्यादा का डॉलर कर दिया, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का काम क्या रह गया है? गले में गमछा डाल के और गुंडागर्दी करना, लोगों को मारना गाय के नाम पर, या कोई सवाल पूछ रहा है तो उसकी पुटाई करना, जो भी बुद्धिजीवी देश में सवाल कर रहे हैं उनको देशद्रोही बताना। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का, यहाँ तक कि मीडिया के जो पत्रकार बंधु हैं वो भी यदि भारतीय जनता पार्टी से सवाल करते हैं, मोदी सरकार से सवाल करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से सवाल करते हैं, तो उनको भी देशद्रोही करार दे दिया जाता है। अभी एबीपी न्यूज के पत्रकारों को, आज तक के पत्रकारों को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने यूपी में मारा, ठीक है, कई पत्रकारों पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया। भाई कांग्रेस पे तो लगाना इनका ऐसे हो गया है, धर्म है,
कांग्रेस पे तो आए दिन ये एफआईआर करते रहते। डॉक्टर राम पांडे, विषय से थोड़ा सा हम भटक रहे हैं। अब आप अगर कह रहे हैं कि पत्रकारों पर ये कर दिया गया, तो फिर आपातकाल भी मुझे याद आता है, वहां पर तो आपातकाल में क्या क्या हुआ था, अब वो किसने किया था वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल वो छोड़िए, ओरछा साहब जवाब देंगे। डॉक्टर राम पांडे का कहना है कि भारतीय युवा मोर्चा का कोई काम ही नहीं है, इससे मध्य प्रदेश से कोई नाम ही नहीं है। इसमें ये भूल गए कि ये युवक कांग्रेस का चरित्र चिंतन या राहुल गांधी का चरित्र चित्रण नहीं हो रहा है। यह युवा मोर्चा एक अनुशासित संगठन के बारे में, सबसे बड़े राष्ट्रीय विचार के संगठन के बारे में बात हो रही है। युवा मोर्चा के बारे में बात करने से पहले युवा मोर्चा के कोविड काल में सेवा कार्य देखने पड़ेंगे। युवा मोर्चा के लोगों के द्वारा जितने प्रकार कांग्रेस के बारे में बात नहीं हो रही है, घर में कांग्रेस बैठी है, घर में कांग्रेस बैठे हुए हैं। आप घर में बैठे थे इसलिए आपको ये सेवा कार्य दिखाई नहीं दिए। आप समाज में जाएंगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सेवा कोविड काल के दौरान दिखाई देगी। आप सेवा में नहीं रहे, संयंत्र में चलिए, छोड़ दीजिए, मंडी मत बनाइए, चुप रहिए, अपने समय पर बात करिए, चुप रहिए, अपने समय पर बात करिए। भारतीय जनता पार्टी दरवाजा बंद करके कांग्रेस बेनकाब हुई तो राम पांडे की बौखलाहट दिखाई दे रही है। ठीक है डॉक्टर राम पांडे एक एक करके कमेंट लेंगे और बीच में अगर किसी को भी बोलना है, आपको या ओरछा साहब को भी, तो शार्प रहे, छोटा कमेंट करें अगर किसी के बीच में बोल रहे हैं, एक एक करके बोलेंगे। ओरछा साहब, चलिए कांग्रेस के चरित्र चित्रण का हम यहां पर चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन अगर भाजयुमो की बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि हमारा विस्तार अन्य जगहों पर हो रहा है, यह भी मान लिया, और मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए एक पत्रकार के तौर पर बार बार कह रहा हूं कि अगर ये आपका विषय है, अगर कांग्रेस का विषय है, तो ये पार्टियों का विशेषाधिकार होता है, लेकिन आप लोग राजनीति में है और हम लोग पत्रकार हैं, तो चर्चा ये होती है, आप उन पर करते हैं, वो आप पर करते हैं, और हम दोनों पर करते हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर वहां विस्तार होना था और 22 लोगों की टीम का ऐलान हुआ, चार नाम यहां से क्यों भेजे गए, जब स्टैंडर्ड इतना बड़ा था, जो आप खुद कह रहे हैं नहीं भेजते, कह देते कि यहां से नहीं, आप वहीं से लीजिए। उत्तर रह गया था, उसका उत्तर मुझे वापस देने का मौका दिया है। बोलिए। पूरे प्रदेश, सारे प्रदेशों से, पूरे देश से एक व्यवस्था के तहत हर जगह से नाम निकाले जाते हैं और वो नाम मंगाए जाते हैं। नाम हर मोर्चे का अपना अपना एक सिस्टम होता है। हर प्रदेश कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय को हर मोर्चे के लिए अपने संभावित नाम भेजता है। अब लाल, आप देखिए, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश से आते हैं, हमारा सबसे प्रोमिनेंट जो है प्रमुख जो है मोर्चा है। तो ऐसा नहीं है, संगठन को किस सेक्टर में कहां पर काम करना है उसकी एक कार्य, इसकी चर्चा टीवी पर नहीं हो सकती है। इसलिए मैं आपके सवालों पर थोड़ा सा, क्योंकि संगठन की आंतरिक कार्य पद्धति की चर्चा टीवी पर ना करना चाहिए, ना कर सके, ना ही हमारे अनुशासन की व्यवस्था है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि जहां पर फोकस था वहां पर युवा, जहां पर नए संगठन को विस्तार देना है, जहां जिन राज्यों में हम बढ़ रहे हैं, जिन राज्यों में हमारी शक्ति को विस्तार देना है, वहां से युवा नेतृत्व निकाल रहे हैं। मध्य प्रदेश एक सीनियर स्टेट हो गया है संगठन के मामले में, इसलिए यहाँ पर जो है इस तरह की परिस्थितियां नहीं है कि हमें यहाँ से वरिष्ठ नेतृत्व निकाल करके केंद्रीय मंत्री के रूप में, राज्यपालों के रूप में, राष्ट्रीय महासचिवों के रूप में, राष्ट्रीय अब मोर्चों के अध्यक्ष के रूप में एक वरिष्ठ नेतृत्व पूरे देश में मार्गदर्शन कर रहा है। और यह केवल कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है, यह इस कार्यकाल के लिए है। हो सकता है अगला कार्यकाल का राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश से हो, तो यह तो एक संगठन की यात्रा है। ठीक है डॉक्टर राम पांडे, बात सही है ओरछा साहब की। उनका कहना है कि उनकी पार्टी, उनका संगठन, उनका युवा मोर्चा एक अनुशासनात्मक तौर पर चलता है, वहां पर नाम भी जाते हैं, उस पर चर्चा होती है, और जो समय के हिसाब से फिट बैठता है या जिसकी जरूरत होती है, जिस क्षेत्र के लिए जरूरत होती है, उसको मौका दिया जाता है। पहले भी मध्य प्रदेश को मौका मिला, भविष्य में और बड़ा मौका मिल सकता है, तो कोई असंतोष तो उनके यहां है नहीं। फिर आपको क्यों लगता है कि नहीं, शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश की अनदेखी कर रहा है बीजेपी की, या फिर कई और बातें जो आपने कही कि भाजयुमो का कोई रोल नहीं रह गया है, भाजयुमो का रोल नहीं होता तो 22 लोगों की टीम का ऐलान क्यों होता? देखिए, मैंने शुरुआत में ही बोला था, ये इनका पर्सनल मामला है, और कांग्रेस से जब सवाल पूछा जाएगा तो जवाब देना हमारी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। और कभी भी जवाब मांगना नहीं चाहिए। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का क्या काम है वो मैंने आपको बता दिया। चरित्र की आप जहाँ बात कर, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा और आरएसएस के दबाव में मोदी जी ने सबसे पहले यदि कोई कानून पास किया था तो वो समता का कानून पास किया था। अभी इन्होंने कहा अनुसूचित जाति के राज्य मध्य प्रदेश से है,
ये क्या टिप्पणी हुई कि समलैंगिकता का कानून पास किया, कोर्ट की तरफ से जो बातें निकल कर आई, कोर्ट का जो आदेश हुआ उसके बाद वो कानून पास हुआ और उसके उसमें तो सभी नहीं, ये तो आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है? नहीं, इस तरीके की सतही बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैंने उनको रोका था टीवी डिबेट को, उन्होंने सतही कहा था, तो अब आपको भी रोक रहा है। ये कौन सी बात हो गई कि आपने कहा कि ये कानून पास किया गया और उसके लिए तो बकायदा सदन के अंदर अगर वो कानून पास हुआ तो आपका भी दल था, बाकी भी दल थे यहाँ पर, उस एक संगठन को क्यों आप बीच में ले आ रहे हैं? कानून का विरोध किया था, इनके पास बहुमत है तो ये किसी भी कानून को पास कर देते हैं। हमने कृषि कानून का भी विरोध किया था, जो कृषि कानून इन्होंने लागू किया है। और बात ये भारतीय संस्कृति की है, भारतीय संस्कृति में समलैंगिकता गलत है तो गलत है, ये पश्चिमी सभ्यता है समलैंगिकता, ये कांग्रेस ये देश की कोर्ट से ऊपर है क्या? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या जी? सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है क्या? भारतीय संस्कृति की अभी हम चर्चा नहीं कर रहे, कोर्ट को मानते हैं, संविधान को सबसे ज्यादा कांग्रेस मानती है और संविधान के तहत ही न्यायपालिका होती है और न्यायपालिका के जरिए अगर कोई फैसला आया तो क्या आप उसको फिर संस्कृति से जोड़ने लगेंगे? ठीक, ऐसा ही हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट का कानून नहीं है, ये संसद में बना है कानून। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? कानून संसद में बना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, मैं ये पूछ रहा हूँ। कानून संसद में बना था, मुझे भी पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। कानून संसद में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, मैं ये पूछ रहा हूँ। आप अलग विषय पर चले गए, इस पर मैं बहुत लंबी चर्चा आपसे कर सकता हूँ। नहीं नहीं, भाजयुमों की टीम पर चर्चा हो रही है और आप चले गए समलैंगिकता कानून पर, आरएसएस पर। आरएसएस अलग है, भाजयुमों अलग है, यहाँ पर उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस ज्यादा ही भटक गई है, ऐसा 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 भी भटकाव ठीक नहीं है डॉक्टर राम पांडे, ऐसा भटकाव भी ठीक नहीं है। कम से कम विषय पर तो रहे, उस कानून पर जब चर्चा करेंगे मैं कर लूंगा। और सुप्रीम कोर्ट उसी संविधान के तहत ही है, न्यायपालिका उसी संविधान के तहत है जिसकी सबसे ज्यादा दुहाई कांग्रेस ही देती है। उसी संविधान के आईन से आप सारी बातें करते हैं और आज लोकतंत्र खत्म हो रहा है तमाम बातें भी आप करते हैं। बहरहाल, सुमित ओरछा जो बात यहां पर ये कह रहे हैं, उनका सीधा सवाल है कि यह आपका विषय है। वो दोनों बार उन्होंने यही कहा डॉक्टर राम पांडे ने कि यह आपका विषय है, लेकिन फिर भी जब उनको बुलाया गया है और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो उनका कहना है कि भाजयुमों का कोई खास रोल नहीं रह गया है। अब ये दो चीजें हो जाएंगी, अगर रोल नहीं होता तो 22 लोगों की टीम का ऐलान क्यों होता? दूसरा कि मध्य प्रदेश को एक भी प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, इसलिए इनको मौका मिल रहा है यहां से लेकर मोदी साहब तक सवाल उठाने का। जब यहां से राष्ट्रीय महासचिव बने, राष्ट्रमोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बने, तब इन्होंने क्या मोदी जी का अभिनंदन किया था? जिन्हें विलाप करना है, जिन्हें रुदाली करनी है, रुदन करना है, वो कुछ भी निर्णय होगा तब वो करेंगे ही, उनका स्वभाव है, उन्हें करने दीजिए। संगठन अपनी स्वतः गति से कलकल छल छल प्रवाह की तरह, गंगा की निर्मल धार की तरह चल रहा है और उसके ये सब पड़ाव है जिसमें तमाम तरह के निर्णय, तमाम तरह के विचारों को दृष्टिगत रखते हुए लेने पड़ते हैं। इसमें कांग्रेस की रुदाली से ना वो परिवर्तित होते हैं, ना कांग्रेस के विलाप से उनमें कोई परिवर्तन होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो चल रही है, इस पर मुझे इतना ही कहना है। ठीक है, लेकिन सुमित ओरछा, क्या आपको लगता है कि हाँ इससे कोई असंतोष और संतोष की स्थिति नहीं है? क्योंकि अगर चार नाम भेजे गए थे तो उनकी भी उम्मीदें रही होंगी, क्या उनको कोई यहां पर इस तरीके का आश्वासन दिया गया कि आगे भविष्य में कुछ फिट हो किया जाएगा, कहीं पर तय किया जाएगा? नहीं, आपकी बाध्यता है, आपकी बाध्यता है, आपकी पार्टी का और आपके संगठन का विषय है। मुझे पता है कि बहुत ज्यादा आप नहीं बोलेंगे, लेकिन जितना बोल सकते हैं उतना बताइए। मिलेगा, हमारे पास सबके लिए काम है, ये भारत माता की सेवा का यज्ञ है, भारत माता की सेवा का पथ है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसमें हर काम व्यक्ति के लिए काम है, बस काम का जो हेतु है वो राष्ट्र को समर्पित है, उसमें स्वयं को केवल एक माध्यम मानना है भारत माता की सेवा का, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ठीक है, डॉक्टर राम पांडे क्या कहेंगे इस पे आप? उनका कहना है कि हर एक व्यक्ति के लिए जिम्मेदारी है और बड़ा दल है, उसका एक युवा मोर्चा है, उसका भी एक बड़ा व्यापक दायरा है पूरे देश में, तो वहां पर उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं। मध्य प्रदेश को पहले भी मौका मिलता रहा है, ये पहली बार है, नहीं मिला है तो ऐसा नहीं है कि आखिरी बार है, भविष्य में भी मिलता रहेगा। कांग्रेस अगर ये सवाल खड़े कर रही है तो पलटकर उधर से जवाब आता है या सवाल आता है कि आपके यहां तो अभी तक अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा है, चर्चा जरूर हो रही है कि मुलाकात कमलनाथ जी की हुई है, कुछ बड़ी बात हो सकती है। मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, ये इनका पर्सनल मामला है, सवाल पूछा है इसलिए जवाब दिया जा रहा है, और
जिस तरह से उन्होंने अपने संगठन के बारे में बताया ये बताना भूल गए, ये जो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी संगठन हो, महा ढोंगी संगठन है, महा पाखंडी संगठन है, महा अंधविश्वासी संगठन है, महा दकियानु संगठन है, तो बर्बाद करने वाला संगठन है, देश में बेरोजगारी बढ़ाने वाला, अभिषेक मुनि सिंह का संगठन नहीं है ये, भारतीय जनता पार्टी है। बुलावा बख्तमी जी की भाषा को अपने घर तक आने राजमाता तक सीमित रखिए और वो पप्पू तक सीमित रखिए। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, पहले दो बड़ा जवान को देश को बर्बाद करने वाला संगठन है, खानदान के संस्कार को यहाँ पर भवन मत करिए, उल्टी मत करिए, भाषा बोलने वाले लोगों को आप आमंत्रित करते हैं। सोपत तत्व वाला संगठन है, देश को 112 रुपए का पेट्रोल देने वाला संगठन है, इस देश को 1000 रुपए का संगठन देने वाला, इस देश को 200 रुपए का संगठन देने वाला, इस देश को 2G डॉलर को धर्म रोड द्वारा ले देने वाला है कांग्रेस, देश को बेचने वाला संगठन है, देश के संपत्ति को बेचने वाला संगठन है। सभी लोगों के साथ डिबेट नहीं करना चाहता हूँ, क्षमा करिए। आखिरी बहुत कम समय रह गया है डॉक्टर राम पांडे, आपने बहुत कुछ बता दिया बीजेपी के बारे में, आरएसएस के बारे में, भाजयुमो के बारे में। एक सवाल मेरा डॉक्टर राम पांडे, समय अब नहीं रह गया, मुझे वाइंड अप करना है। मेरा एक सवाल है, सिर्फ इतना सवाल है, अरे सुन लीजिए डॉक्टर राम पांडे, सुन तो लीजिए, इतना क्यों नाराज हो रहे हैं, सुन लीजिए डॉक्टर राम पांडे, उनका संगठन जैसा है वो देख लेंगे, आपका संगठन कहाँ है ये भी सवाल है, आपका संगठन कहाँ है पहले ये बता दीजिए। देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं, देश को गड्ढे में डालने वाले हैं, महंगाई बढ़ाने वाले हैं, 112 रुपए का पेट्रोल देने वाले लोग हैं, बेरोजगारी बढ़ाने वाले लोग हैं, देश को बर्बाद। मान लिया भाई, सब मान लिया, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि उनका संगठन तो बहुत कुछ है, आपका संगठन कहाँ है? हमारे संगठन के समय 60 रुपए का पेट्रोल था, हमारे समय कोई बेरोजगारी नहीं थी, हमारे संगठन ने देश को स्वतंत्र कराया। सुमित ओरछा कह रहे हैं कि आपका संगठन तो खुद बेरोजगार हो गया है, आपका संगठन तो खुद बेरोजगार हो गया है, बेरोजगारी देगा क्या? कांग्रेस के संगठन पर यही जवाब है, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर और पूरे देश से लेकर, आपका संगठन कहाँ है, संगठन का नेता कहाँ है और संगठन के लोग कहाँ है? बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम पांडे और सुमित ओरछा हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तेजस्वी सूर्या की टीम में मध्य प्रदेश का कोई सूरज तो नहीं आ पाया, चार नाम जरूर गए थे, लेकिन पार्टी का ये कहना है, पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि ये आंतरिक विषय है और उसमें बहुत ज्यादा कोई असंतोष जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि इस बार दायरा बढ़ाया गया है, अलग अलग दक्षिण के राज्यों को टारगेट किया गया है पार्टी के विस्तार के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए। मध्य प्रदेश को पहले भी मौका मिला है, भविष्य में और बड़ा मौका भी मिल सकता है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार।